Hello everyone. My name is Aditi Malviya. I myself am a student of Ayurveda, currently pursuing BAMS from Pandit Khushilal Sharma Ayurvedic College and Institute, Bhopal. Okay, so the topic for today is from Kriya Sharir, that is descriptive introduction to Vata. Now for convenience, I have divided this whole topic, this complete chapter into two parts. First is a general introduction to Vata Dosha, and second part is introduction to subtypes of Vata Dosha. Okay, as these both are lengthy and very important, and so they need independent focus. Okay, so इसलिए ने दो part में पढ़ेंगे. For this session, we are going to discuss general introduction to Vata Dosha, जिसमें हम इसके general characters, general properties, general locations, general functions उनको study करेंगे. Now before getting into it, I really find it necessary to give a little peek into introduction of the concept of dosha. Okay, because when we start studying Ayurveda, so the very idea of something like dosha existing in our body is alien to us. We cannot visualize it, we cannot practically understand it. So पहले we'll get a general idea, है ना, layman's term में, सामान्य भाषा में dosha का एक idea, और उसके बाद हम वात दोष पढ़ेंगे. दोष को बहुत डिस्क्रिप्टिवली नहीं पढ़ेंगे, है ना, फिर सिर्फ एक जनरल आइडिया. सो लेट्स गेट इनटू इट. तो दोष की बात करें तो हम जानते हैं कि सभी साइंस जो होते हैं वो अपने प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों पर बेस्ड होते हैं. इसी तरीके से जो हेल्थ साइंसेज हैं, जो चिकित्सा शास्त्र हैं, ऑल ऑफ देम हैव देयर थियोरीज, हैव देयर प्रिंसिपल्स टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ इस बॉडी. ऐसे ही आयुर्वेद भी एक चिकित्सा शास्त्र है. आयुर्वेद हैज़ दिस ब्रिलियंट एंड यूनिक प्रिंसिपल दैट नॉट ओनली एक्सप्लेन्स द फंक्शनिंग, द वर्किंग, द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस बॉडी, बट ऑल्सो एक्सप्लेन्स उत्पत्ति, दैट इज ओरिजिन, स्थिति, वर्किंग एंड नाश, डेथ ऑफ दिस बॉडी. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोष. क्रिया शरीर में जब हम सबसे पहले जो शरीर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, या आयुर्वेद में जो हम सबसे पहले शरीर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो होती है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम. दैट मीन्स दोष धातु मल ही शरीर के मूल हैं. ओके, शरीर की जड़ हैं. दीज आर फॉर्मिंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये शरीर के संघटक कहे गए हैं, शरीर को बनाने वाले, शरीर के कंस्टिट्यूएंट्स कहे गए हैं. दोष आर द बायो एनर्जीज, धातु यानी कि बॉडी टिश्यूज, एंड मल द एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस. दीज फॉर्म द बॉडी, दीज कंस्ट्रक्ट द बॉडी, दीज हेल्प द बॉडी टू एग्जिस्ट एंड वर्क एंड फंक्शन नॉर्मली. तो बॉडी टिश्यूज और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस तो वी अंडरस्टैंड. व्हाट आर दीज दोष? दोष आर दोज बायो एनर्जीज और एंटिटीज और ह्यूमर्स इन आर बॉडी विच मेंटेन एंड रेगुलेट ईच एंड एवरी प्रोसेस, एवरी एंड एनी प्रोसेस दैट अकर्स इन दिस बॉडी. ठीक है, तो बॉडी में एनाटॉमिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली जो भी कुछ चल रहा है, चाहे वो हमारा स्ट्रक्चर हो या हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हों, उनके कंट्रोलर्स और उनको रेगुलेट कौन कर रहे हैं? ये कुछ एंटिटीज, कुछ बायो एनर्जीज हैं, वो उन्हें रेगुलेट कर रही हैं, जिन्हें कि हम दोष कहते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, ठीक है, उसके कारण कौन है? दोष. क्यों? क्योंकि सारी प्रोसेसेस को रेगुलेट कौन कर रहे हैं? दोष कर रहे हैं. ओके, तो ये हमारा है ना, अब मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के एग्जिस्टेंस के भी लिए, है ना. अब बात करते हैं, जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं दोष के, या जब हम निरुक्ति देखते हैं दोष की, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और कॉमन डेफिनेशन आती है वो होती है दुष्यंती इति दोषः. ठीक है, दुष्यंती इति दोषः का अर्थ होता है जो शरीर को दूषित कर सकें, जो शरीर का धातुओं को दूषित कर सकें, उन्हें हम दोष कहते हैं. ना थोड़ी देर पहले वी वर डिस्कसिंग हाउ इम्पॉर्टेंट दीज दोष आर. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन एंड यू नो एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी, बॉडीज फंक्शनल बिकॉज ऑफ देम, स्ट्रक्चरल जो फ्रेमवर्क है वो दोष के कारण है. तो दोष आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बॉडी एग्जिस्ट बिकॉज दोष आर देयर. सो नाउ वाई आर वी पेंटिंग अ नेगेटिव पिक्चर ऑफ दोष, की दोष जो है वो शरीर को दूषित कर सकते हैं? सो इसका आंसर जो है वो आचार्य सुश्रुत ने दिया है उत्तर स्थान में. उन्होंने बताया है कि दोष धातु और मल,
इन तीनों को शरीर का धारण करने के कारण मतलब कि बॉडी को मेंटेन करने के कारण हम धातु की संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से इनके विशिष्ट कर्म जो हैं वो व्यक्त नहीं हो पाएंगे। और आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि किसी भी द्रव्य का नाम उसके विशिष्ट कर्मों के, उसके विशिष्ट गुणों के अनुसार रखा जाता है। तो ये जो दोष हैं इनके पास एक स्पेशल पोटेंशियल है दैट नो अदर पार्ट ऑफ बॉडी, नो अदर कॉम्पोनेंट ऑफ बॉडी हैज़ दैट पोटेंशियल, एंड दैट इज दे कैन विशिएट अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ बॉडी इफ दे गेट इम्बैलेंस्ड। अगर वो इम्बैलेंस होते हैं, अगर वो असाम्य अवस्था में आ जाते हैं, अगर वो विकृत अवस्था में आ जाते हैं, तो वो बॉडी के बाकी कॉम्पोनेंट्स को दूषित करने की पोटेंशियल रखते हैं, इसीलिए इनका नाम दोष रखा गया है। ठीक है, दोष की कंप्लीट और बहुत अच्छी जो डेफिनेशन है वो माधव निदान में मिलती है, प्रकृत्यारंभे सति स्वातंत्र्येण दुष्टिकृतत्वं दोषत्वं। मतलब आरंभ में जो प्रकृति का निर्माण करते हैं, आरंभ मतलब कि जन्म के समय जो प्रकृति का निर्माण करते हैं एवं जो शरीर को दूषित करने की क्षमता रखते हैं या दूषित कर सकते हैं, उन्हें दोष कहा गया है। नाउ इन दोषों की दो अवस्थाएं होती हैं, दो स्टेट होती हैं, बैलेंस्ड स्टेट या साम्यावस्था और इम्बैलेंस्ड स्टेट असाम्यावस्था, विकृत और अविकृत अवस्थाएं। बैलेंस्ड स्टेट में जब तक ये रहते हैं, अगर ये बैलेंस्ड हैं तो ये बॉडी की सभी प्रोसेसेस को बैलेंस्ड वे में, हेल्दी वे में चलाते रहेंगे और इस तरीके से बॉडी हेल्दी रहेगी, बॉडी की हेल्थ मेंटेन रहेगी, होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर ये विकृत अवस्था में आ जाते हैं, असाम्य अवस्था में आ जाते हैं, बैलेंस से हट जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, बॉडी की प्रोसेसेस में भी डिफॉर्मिटीज आएंगे और इसलिए बॉडी की प्रोसेसेस डिस्टर्ब होने के कारण डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस जो हैं वो उत्पन्न बॉडी में होती हैं, डिस्कम्फर्ट्स जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये था दोष और दोष की अवस्थाएं, है ना। अब बात करते हैं दोष जो हैं वो दो प्रकार के हैं, शारीरिक दोष एवं मानसिक दोष। शरीर को दूषित करने से शारीरिक दोष और मन को दूषित करने के कारण मानसिक दोष कहे गए हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि द शारीरिक दोष आर ना दोष विच ओनली अफेक्ट द बॉडी, द फिजिकल बॉडी, एंड मानसिक दोष ओनली अफेक्ट द मन। नो, ठीक है, ये किस बेसिस पर इन्हें शारीरिक और मानसिक कहा गया है कि जब ये इम्बैलेंस स्टेट में होंगे तो द पार्ट विच दे विशिएट फर्स्ट, है ना, जहाँ पर उसके इम्पैक्ट पहले नज़र आते हैं, हम उसे उस कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, मतलब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि शारीरिक दोषों का जो इम्पैक्ट है, नॉर्मल फंक्शनिंग है, वो मन पर भी होती है, और मानसिक दोषों का नॉर्मल स्टेट में जो फंक्शंस होते हैं वो शरीर पर भी होते हैं, इफ़ेक्ट्स शरीर पर भी होते हैं। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे, आचार्य चरक संहिता सूत्र स्थान में 14 कर्म वाद के बताए हैं। ठीक है, उनमें से एक है नियंता प्रणेता च मनसः, मतलब वात मन का नियंता, नियंत्रक एवं प्रणेता, प्रवर्तक कहा गया है, है ना। नॉर्मल स्टेट में, हेल्दी स्टेट में वात जो होता है वो मन को नियंत्रित करता है और मन की जो भी चेष्टाएं हैं उनको प्रवर्त करता है। ठीक है, तो अब शारीरिक दोष और मानसिक दोष का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब शारीरिक दोष 3 है, ठीक है, और मानसिक दोष 2। शारीरिक दोष 3 कौन कौन से हैं, वातः पित्तम कफश्चैति त्रयो दोषाः समासतः, ये अष्टांग हृदय का श्लोक है। ठीक है, तो वात पित्त और कफ ये संक्षेप में 3 शारीरिक दोष कहे गए हैं। रजस तमश्च मनसो द्वा दोषा उदाहृतौ, रज और तम ये दो मानसिक दोष हैं। ठीक है, अब इन्हीं शारीरिक दोषों में से एक वात दोष को आगे हम स्टडी करेंगे। ओके, सुनाओ, जब भी हम कहीं पर भी दोष या शारीरिक दोषों को मेंशन करते हैं या कहीं पढ़ते हैं, तो एक चीज़ वी कैन नोटिस कि वात पित्त और कफ हमेशा यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो होता है कहीं पर भी। ठीक है, ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये विदाउट एनी रीज़न नहीं है, हमेशा वात पहले आता है। इसका रीज़न ये है कि अमंग ऑल द दोष इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, सबसे महत्वपूर्ण दोष, इनफैक्ट आई विल से सभी धातुओं दोष और मल में सबसे इम्पॉर्टेंट वात दोष ही होता है। इसके इम्पॉर्टेंस का कारण क्या है, है ना, तो कारण देखें तो आई क्लासीफाई दोज रीजंस इनटू टू पार्ट्स, पहला है फिजियोलॉजिकल रीज़न और दूसरा है पैथोलॉजिकल रीज़न।
फिजियोलॉजिकल रीज़न देखें पहले तो एक बहुत अच्छा श्लोक है, पित्तम पंगु कफा पंगु पंगवो मल धातव वायुना यत्र नियंते तत्र वर्षंति मेघव। मतलब कि पित्त कफ सप्त धातुएं और मल ये सभी पंगु अर्थात विकलांग के समान हैं, है ना, जो मूव नहीं कर सकते, जो चल नहीं सकते उनके समान हैं जब तक वायु या वात उपस्थित ना हो। ठीक है, इसको उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से श्लोक में ही समझाया है कि कितने भी वाटर लेडन क्लाउड्स हों, कितने भी पानी से भरे हुए बादल हों, वो वर्षा वहीं करेंगे जहाँ वायु उन्हें लेकर के जाएगी। ठीक है, बॉडी में इसे एक एग्जाम्पल, बॉडी में इसे कैसे समझेंगे, तो जो भी गति है, ठीक है, सेल्यूलर लेवल माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर के लोकोमोशन मैक्रोस्कोपिक लेवल तक जो भी मूवमेंट है, एनी मूवमेंट इन बॉडी, उसका कारण कौन है, उसको करने वाला कौन है, वात। ठीक है, वो वात का फंक्शन है गति। अब अगर ये गति नहीं होगी तो शरीर के बाकी कंपोनेंट्स अपने फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। बहुत इजी और अच्छा एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड जो बॉडी में है, जो बर्थ से लेकर के डेथ तक हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती है बॉडी को चलाने में। ठीक है, उसके हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हॉर्मोन्स को हम पित्त की कैटेगरी में डालते हैं। ओके, तो पिट्यूटरी में हॉर्मोन बन गए, है ना, पित्त बन गया, बहुत अच्छी क्वांटिटी में बना, बहुत अच्छी क्वालिटी में बना। लेकिन अगर वात अनुपस्थित है तो वो अपने टारगेटेड ऑर्गन्स तक नहीं जा सकते, जहाँ पर उनके फंक्शंस हैं वो वहाँ तक नहीं जा सकते, तो उन हॉर्मोन्स की प्रेजेंस का क्या मतलब। ठीक है, तो इसलिए जो भी प्रोसेसेस बॉडी में हैं वो कहीं ना कहीं मूवमेंट इन्वॉल्व करती हैं, सारी प्रोसेसेस, ठीक है, 100% सारी प्रोसेसेस, और वो मूवमेंट का कारण वात होने से वात सबसे महत्वपूर्ण दोष है। ये तो हो गया फिजियोलॉजिकल कारण। पैथोलॉजिकल कारण देखें तो वात का एक गुण होता है चंचलता। ठीक है, वात दोष का एक गुण है कि ये चंचल नेचर का, चंचल स्वभाव का होता है, अस्थिर होता है। ओके, अस्थिर होने के कारण सबसे इजीली इम्बैलेंस होने वाला दोष वात दोष होता है। अब ये इजीली इम्बैलेंस होता है, दूसरा पॉइंट हमें पता है कि इसका बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं बॉडी के, धातुएं और बाकी के जो दोष हैं और मल हैं, उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है उन पर। तो अगर ये एक बार विशिएट हो गया, ये एक बार इम्बैलेंस हो गया, तो ये बाकी को भी बहुत जल्दी इम्बैलेंस कर देगा या दूषित कर देगा। ठीक है, और इसीलिए वात से उत्पन्न जो है व्याधियाँ बहुत जल्दी होती हैं। सर्वाधिक व्याधियाँ जो देखी जाती हैं, या ज़्यादा नंबर प्रोपोर्शन जो है वातज व्याधियों का, वातजन्य व्याधियों का, या वात प्रधान जो व्याधियाँ हैं उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, है ना। तो ये पैथोलॉजिकल कारण है कि वात क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब हमें वात के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तभी तो हम उसके उसको बैलेंस करना, है ना, जो भी मेंटेनेंस है उसका वो हम कर पाएंगे। तो ये हो गई क्या इम्पॉर्टेंस ऑफ वात। नाउ लेट्स गेट इन टू द मेन स्ट्रीम टॉपिक। ओके, नाउ आयुर्वेद में कोई भी टॉपिक पढ़ते वक्त हमें एक स्पेसिफिक सीरीज, एक स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ हेडिंग्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इससे क्या होता है नॉलेज बेटर रिटेन कर पाता है हमारा दिमाग, क्योंकि एक अरेंज्ड वे में नॉलेज जो है वो हम देखते हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम देखते हैं। तो और ये जो सीरीज़ है ना, ये जो ऑर्डर है हेडिंग्स का, इट्स प्रीटी मच सेम फॉर ऑल द टॉपिक्स विद लिटिल डिफरेंसेस हियर एंड देयर विद डिफरेंस इन टॉपिक। तो पहली जो हेडिंग है वो है व्युत्पत्ति, यानी इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन। इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन मतलब कि ग्रामेटिकली ये वर्ड कैसे ओरिजिनेट हुआ है। वात की बात करें तो वात शब्द जो है वो वा धातु से उत्पन्न हुआ है। वा धातु में त औणादिक प्रत्यय करने से वात शब्द की सिद्धि होती है। ओके, ये तो क्या क्या ग्रामेटिकल ओरिजिन। उसके बाद बात करते हैं निरुक्ति की। निरुक्ति यानी कि सिंटैक्शियल डेरिवेशन। सिंटैक्शियल डेरिवेशन मतलब वो शब्द अपने बारे में क्या बताता है ना, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो वात की जब बात करें तो तत्र वा गतिगंधनयो रीति धातु। वात शब्द वा धातु से बना है, एंड दिस वा धातु रिप्रेजेंट्स टू मीनिंग्स। मतलब इस वा धातु से हमें दो अर्थ ग्रहण करने चाहिए, गति एवं गंधन। नाउ दीज गति एंड गंधन ईच इन टर्न रिप्रेजेंट थ्री डिफरेंट मीनिंग्स और प्रोसेसेस विच प्रिटी मच डिफाइंस अ लॉट अबाउट वात एंड इट्स लक्षण। ठीक है, तो क्या है ये गति और गंधन के अर्थ।
गति तीन मीनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, मूवमेंट, नॉलेज एंड सेल्वेशन। मूवमेंट हम लोग काफ़ी बार अब मेंशन कर चुके हैं कि जो भी मूवमेंट्स होती हैं बॉडी में वो उनका कारण कौन है, वात है, तो यहाँ पर ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा है नॉलेज। नॉलेज के गेन को गति कहा जाता है, नॉलेज बढ़ता रहे, ठीक है, स्टैगनेंट ना रहे, इस चीज़ को गति कहते हैं, है ना। जड़ बुद्धि बहुत कॉमनली यूज फ्रेज है ना, जड़ बुद्धि, इसका मतलब होता है कि उसके नॉलेज में कोई इंक्रीज, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो कोई चीज़ गेन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसका ऑपोजिट क्या है, गति। कॉन्स्टेंटली नॉलेज गेन करते रहना, नॉलेज इंक्रीज करते रहना गति कहलाता है। और लास्ट में होता है मोक्ष, है ना, सेल्वेशन। यहाँ पर गति जो है सेल्वेशन या मोक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है। दूसरा मीनिंग हमने देखा है गंधन। गंधन भी तीन मीनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से पहला है उत्साह, उत्साह या विल, ठीक है, मोटिवेशन। शरीर में किसी भी चीज़ को करने का जो मोटिवेशन है, किसी भी कार्य को करने की जो इच्छा है ना, उसको कौन रिप्रेजेंट, उसको कौन करता है, वात करता है, ये उस चीज़ को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा मीनिंग जो हमें गंधन से मिलता है वो है हिंसन। हिंसन का मतलब होता है वन दैट कॉजेज पेन, है ना, तो जहाँ पर भी पेन, दर्द, पीड़ा जो भी है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट जो है गंधन का मीनिंग वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बॉडी में, अगेन सेल्युलर लेवल से इंटर सेल्युलर कम्युनिकेशन हो या इंटर प्रोसेस, जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रही हो उनके बीच में कम्युनिकेशन हो, बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो, या इवन द कम्युनिकेशन दैट्स हैपनिंग राइट नाउ, ये सब को यहाँ पर गंधन शब्द से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो ये हो गई क्या वात शब्द की निरुक्ति, कि वो दो वाद धातु, जो वाद धातु से बना है वो, है ना, और ये वाद धातु दो मीनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, गति और गंधन। गति और गंधन के फिर फर्दर तीन तीन अर्थ होते हैं। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट आइल से, ये भी है ना, वाद के पर्याय। कई बार क्या होता है वाद शब्द ना यूज़ करके और कुछ डिफरेंट वर्ड्स हैं जो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, और वहाँ पर हमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमें इसके कुछ पर्याय पता होने चाहिए जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, मेंशन किए गए हैं, जैसे मारुत, ठीक है, उसके बाद अनिल, पवन एट्सेट्रा, ये क्या हैं वाद के पर्याय हैं। इसके बाद जो पार्ट आता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ वाद एंड कॉम्पोजिशन ऑफ वाद। पहले कॉम्पोजिशन की बात करें, कॉम्पोजिशन से यहाँ पर मतलब है वात का पंचभौतिकत्व। आयुर्वेद का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मौलिक सिद्धांत है पंचभौत, है ना, पंच महाभूत का सिद्धांत, सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम, मतलब इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में एनीथिंग दैट एग्जिस्ट वो कैसा है, पंचभौतिक है, ओके, मतलब वो पंच महाभूत से बना है। वैसे ही वात भी पंचभौतिक है, पंच महाभूत से बना है, ठीक है, लेकिन हर द्रव्य में, हर पदार्थ में किसी ना किसी महाभूत की क्या होती है, डोमिनेंस होती, प्री डोमिनेंस होती है, जिससे उसको उसके गुण प्राप्त होते हैं। तो वात में वायु और आकाश महाभूत की डोमिनेंस होती है, ठीक है। अब आचार्य सुश्रुत ने एक एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट कहा है इस बारे में कि वायु जो वात है उसके फॉर्मेशन में पृथ्वी महाभूत पार्ट नहीं लेता है या पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है डिफरेंट महाभूत का आपस में मिलना और एक नए कंपोनेंट का फॉर्मेशन करना, एक नए द्रव्य का फॉर्मेशन करना, इसको क्या बोलते हैं, परस्पर अनुप्रवेश, ठीक है। तो परस्पर अनुप्रवेश की प्रोसेस से सारे महाभूत मिलते हैं, वायु और आकाश महाभूत की प्रीडोमिनेंस रहती है, तो फॉर्मेशन किसका होता है, वात का फॉर्मेशन होता है, ठीक। नाउ अब आती है बात स्ट्रक्चर की, ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर कैसा होता है वात का, ओके। तो वात के स्ट्रक्चर के लिए आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान में मेंशन किया है अव्यक्तो व्यक्त कर्मा च, मतलब कि वात जो है वो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता, पर इसका प्रत्यक्ष इसके कर्मों के द्वारा होता है, ओके। वी कैन नॉट सी वात, वी कैन नॉट सी वात फिजिकली, बट इट्स प्रेजेंस कैन मोस्ट सर्टनली बी फेल्ट बाय इट्स फंक्शंस, ओके। सो आफ्टर स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन नाउ वी गेट टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पर हम वात के सामान्य गुण, सामान्य स्थान एवं सामान्य कर्म को डिस्कस करेंगे, ओके, जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल लोकेशंस एंड जनरल फंक्शंस वात दोष के। तो
स्टार्ट करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज से। दोष की प्रॉपर्टी को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे या तीन कैटेगरीज में स्टडी करेंगे। पहली है फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। दूसरी है रासायनिक गुण या केमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। और तीसरी है मानसिक गुण या द इफेक्ट ऑफ दोष ऑन मेंटल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, फिजिकल गुण की बात करें तो मेरे अनुसार सबसे अच्छे से इसको अष्टांग हृदय में एक्सप्लेन किया गया है, है ना। और उसका जो श्लोक है, तत्र रुक्षः लघु शीतः करः सूक्ष्मश्च लोहनः। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने वात के फिजिकल भौतिक गुणों का वर्णन किया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और भौतिक या फिजिकल गुण जो है आचार्य चरक ने एक्स्ट्रा बताया है, विशद। ओके, बात को विशद भी कहा है उन्होंने। उसके बाद आते हैं रासायनिक या अच्छा, एक और चीज़ की डिफरेंट आचार्य जो हैं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन गुणों को एक्सप्लेन किया है, जो तीनों ही तीन मेन आचार्य जो हैं चरक, सुश्रुत और वाग्भट, तीनों के श्लोक मेंशन किए गए हैं। ओके, अब बात करते हैं रासायनिक प्रॉपर्टीज़ की, रासायनिक गुणों की, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है योगवाही, और ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो है ना, ये आचार्य सुश्रुत ने ही मेंशन किए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? योगवाही। योगवाही का मतलब होता है वन दैट कोऑर्डिनेट्स। ओके, कोऑर्डिनेट्स मतलब कि जैसे वात जो होता है वो अपने गुणों को रिटेन करते हुए दूसरे के गुणों को भी अपने आप में प्रविष्ट कर लेता है और उनको भी आगे ले जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बहुत ईजी और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब समर सीज़न होता है ना, तो उस टाइम पर जो हवा चलती है वो गर्म होती है, लेकिन वही हवा विंटर सीज़न में ठंडी हो जाती है ना। तो वो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर की जो प्रॉपर्टी है वो एटमॉस्फेयर से गेन करके और आगे ले जाती है। ठीक है, तो ये क्या नेचर हो गया? योगवाही नेचर हो गया, कि अपने गुणों को एज इट इज़ इंटैक्ट रखते हुए दूसरे के गुणों को भी अपने आप में संप्रविष्ट कर लेना और उन्हें आगे ले जाना। अगली प्रॉपर्टी है इस अशुकारी। ठीक है, ये अशुकारी होता है। अशुकारी का मतलब होता है वन दैट रिएक्ट्स रियली क्विकली, या वन दैट एक्ट्स रियली क्विकली, बहुत जल्दी काम करता है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो इसकी, अचिंत्य वीर्य। अचिंत्य वीर्य भी आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि वात का जो पोटेंशियल है, अचिंत्य का मतलब जो सोचा नहीं जा सकता और वीर्य मतलब पोटेंशियल। ठीक है, तो वायु या वात की पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है कि उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये हो गई क्या? फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। और लास्ट में आती हैं मेंटल प्रॉपर्टीज़ या इफेक्ट ऑन मेंटल एट्रीब्यूट्स। आचार्य सुश्रुत ने ही वायु को रजो गुण बाहुल कहा है। ये रज गुण जो है कि इसमें का इसमें बाहुल्य होता है, डोमिनेंस होता है, और इसीलिए इसका जो मन पर इम्पैक्ट होता है वो उसी प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे दारुण नेचर होता है, राइट, रुक्षता होती है स्वभाव में, है ना, तो इस प्रकार का इम्पैक्ट ये मन पर डालता है। पक्वाशय कटिशक्ति श्रोत्रास्थि स्पर्शेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। ये अष्टांग हृदय का श्लोक है, बाकी आचार्य चरक एवं आचार्य सुश्रुत के श्लोक भी मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, और कंपैरेटिव चार्ट भी मेंशन किया हुआ है, तीनों के अनुसार अलग अलग जो उन्होंने सामान्य एवं विशेष स्थान बताए हैं उसको मेंशन किया है। ठीक है, तो सामान्य स्थान यहाँ पर क्या बताए गए हैं, बात के सामान्य स्थान क्या बताए गए हैं? पक्वाशय कटि यानी कि जो कमर वाला एरिया होता है, शक्ति थाइस। ठीक है, स्पर्शेंद्रिय मतलब त्वचा, श्रोत यानी ईयर, और अस्थि यानी कि बोन्स। ठीक है, इन्हें वात का सामान्य स्थान कहा गया है। उसके बाद पक्वाधानम विशेषतः, ये विशेष स्थान क्या बताया गया है? वाग्भट जी ने भी बताया है और आचार्य चरक ने भी बताया है पक्वाशय को विशेष स्थान कहा है। तो विशेष स्थान वो होते हैं जहाँ पर ये दोष फॉर्म होते हैं, अक्यूमुलेट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दोषों का विशेष स्थान कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने थोड़ा सा डिफरेंटली इसको बताया है और उन्होंने क्या बोला है कि वैसे तो ये दोष जो है, वात दोष, वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर अपने कर्मों का संपादन करता है, परंतु ये विशेषतः गुदा और श्रोणी जो एरिया है उसमें रहता है। ठीक है, ये हो गए क्या? वात के सामान्य स्थान। ठीक है, उसके बाद आते हैं वात के सामान्य कर्म।
सामान्य कर्म हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि वात तो वही है, हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है ना। तो हालांकि वात पूरी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म करता है, लेकिन उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली सीन फंक्शंस हैं उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं, उन्हें हम इसके जनरल फंक्शंस या सामान्य कर्म कहते हैं। ठीक है, सामान्य कर्म के लिए भी अलग अलग आचार्य हैं, उनके अलग अलग मत हैं, उन्होंने अपने अलग अलग श्लोक जो हैं वो दिए हैं, वो सभी यहाँ पर मेंशन्ड हैं। हम अष्टांग हृदय के श्लोक को, अष्टांग हृदय में जो कर्म मेंशन किए हैं उन्हें पहले देखते हैं। उत्साह हो श्वास निःश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तन सम्यक गत्या च धातु नाम क्षाणा नाम पाटवेन च अनुग्रहित्वा विकृत। ठीक है, मतलब कि उत्साह, उत्साह का मतलब मोटिवेशन, किसी भी काम को करने का जो मोटिवेशन है, ठीक है, हाँ भाई ये काम करना है, वो उत्साह। उच्छ्वास यानी कि एक्सहेलेशन, निःश्वास यानी कि इनहेलेशन। चेष्टाएं, चेष्टा तीन प्रकार की चेष्टाएं प्रेजेंट होती हैं, शारीरिक चेष्टाएं, मानसिक चेष्टाएं और वाचिक चेष्टाएं। ठीक है, ये तीनों प्रकार की चेष्टाएं यानी कि ये तीनों के फंक्शन, कोई भी काम करना है, कायिक यानी कि शारीरिक काम करना है, मानसिक काम करना है, वाचिक है ना बोलना है, तो उसकी विल, उसको हम चेष्टा बोलते हैं। ठीक है ना, वेग, वेगों का प्रवर्तन। ओके, तो ये चेष्टाएं कौन देखता है, इनका प्रवर्तक कौन है, इनका प्रवर्तक वात है। फिर वेगों का प्रवर्तन भी वात का सामान्य कर्म है। वेग 13-14 वेग हैं, है ना, मल वेग और खांसी आना, है ना, ये सारी जो हैं ये वेग हैं, और इन वेगों का प्रवर्तन भी कौन करता है, वात करता है। फिर धातुओं की सम्यक गति, धातुओं की सम्यक गति मतलब कि धातुओं का प्रॉपर मेंटेनेंस, उनका उनकी है ना, उनका क्षय होता रहता है तो उनका फिर मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, है ना, ये सारी चीज़ें धातुओं की सम्यक गति, ये भी किसका फंक्शन है, वात का फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद ये सारे काम करते रहने के कारण वात जो है वो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, हमारे शरीर का अनुग्रह करता है, अनुग्रह मतलब पोषण करता है। ठीक है, हमारे शरीर का पोषण वात करता है इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के कारण। तो ये क्या हो गए, वात के सामान्य कर्म हो गए। आचार्य सुश्रुत ने एक एक्स्ट्रा जो है बताया है कि ये अग्नि कर्म का संपादन भी करता है, मतलब अग्नि कर्म जो है जो पाचन है ना, अग्नि कर्म क्या है, पाचन की क्रिया है ना, उसको भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अग्नि कर्म हो गए, धातु हो गई और बाकी के जो दोष हैं उनके काम प्रॉपरली चलते रहें उसको भी मेक श्योर कौन करता है, वात करता है। ओके, तो ये हो गए सामान्य कर्म। सो दिस वॉज जनरल इंट्रोडक्शन टू वात दोष, जहाँ हमने व्युत्पत्ति देखी, निरुक्ति देखी, ठीक है, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन को देखा, पर्याय देखे, फिर उसके बाद हमने वात के सामान्य गुण, स्थान और सामान्य कर्म देखे। इसके बाद जो टॉपिक है जो कि है सब टाइप्स ऑफ वात। ओके, सब टाइप्स ऑफ वात कैसे किए गए हैं, 5 सब टाइप्स ऑफ वात किए गए हैं जिनका मेंशन सबसे पहले चरक संहिता में मिलता है। ओके, तो ये सब टाइप्स कैसे किए गए हैं, अब फंक्शंस के बेसिस पर किए गए हैं, विशिष्ट कर्मों के बेसिस पर किए गए हैं, वात के विशिष्ट कर्मों के, 5 विशिष्ट कर्मों के कारण वात के 5 सब टाइप्स बनाए गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वात जो है वो 5 ही कर्म परफॉर्म करता है, नहीं, लेकिन जो इसके 5 स्पेशल फंक्शंस हैं उनको हाईलाइट करने के लिए इसको 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से 5 टाइप है, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, ये 5 सब टाइप्स ऑफ वात दोष हैं। ओके, केवल हल्का सा आइडिया कि बॉडी में होते कहाँ हैं ना, बाकी इनके अलग अलग स्थान हम देखेंगे, अलग अलग कर्म देखेंगे। ठीक है, तो लेकिन इन जनरल एक आइडिया देखें तो बॉडी को जब हम कंप्लीट बॉडी को देखते हैं, षडंग शरीर हम कहते हैं ना, तो ये बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में। ओके, तो हेड और हेड, नेक और थोरैसिक रीजन जो है ना, सिर, गला और उर प्रदेश जो है उसमें प्राण और उदान वायु प्रेजेंट रहते हैं और अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है एब्डोमिनल रीजन, यहाँ पर प्रेजेंट होती है समान वायु, है ना। उसके बाद है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, अपान का मतलब ही होता है लोअर पार्ट। ठीक है, तो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में कौन सी वायु रहती है या कौन सी वात रहती है, तो अपान वायु जो है वो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में रहती है और अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है। और व्यान वायु जो है वो
हेड टू टो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है और पेरीफेरल फंक्शंस परफॉर्म करती है, पेरीफेरली एग्जिस्ट करती है और पेरीफेरल फंक्शंस को परफॉर्म करती है. ओके, सो दिस वाज इट अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वात. और थोड़ा सा इंट्रो हमने एंड में वात के सब टाइप्स का भी देखा. इसके साथ कुछ स्पेशल मेंशन है जो आई रियली सजेस्ट कि रीड करना चाहिए, है ना, इम्पॉर्टेंट है. वो है जो 14 कर्म वात के आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में बताए हैं. एक बार प्लीज़ डू गिव इट अ रीड, इट्स इम्पॉर्टेंट. ये रीड करें और इसके अलावा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या लेट्स से आंसर लिखना या चीज़ों को मेंशन करना, है ना, रिटन कैसे उसको प्रेजेंट करना है हमें, तो जो डिफरेंट आचार्य हैं उनके मत मेंशन किए हुए हैं, कंपैरेटिव चार्ट्स मेंशन किए हुए हैं, है ना, तो उनको मेंशन करना आई थिंक इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो कोई भी आंसर जैसे लेट्स से अगर सामान्य स्थान क्वेश्चन आता है कि वात के सामान्य स्थान बताएं, है ना, तो ऐसा नहीं करना है कि कोई, अब डिपेंड्स, अगर लेंथी क्वेश्चन है 5 मार्क्स या ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो ऐसा नहीं करना है कि बस कोई एक श्लोक वो लिख दिया कि भाई अष्टांग हृदय के अनुसार ये स्थान है, दैट्स इट. नहीं, उसको पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, है ना. जैसे अभी यहाँ पर किया कि भाई सामान्य स्थान क्यों बोला है हमने, फिर अलग अलग जो आचार्य हैं उन्होंने कौन कौन से सामान्य स्थान कहे हैं. श्लोक सारे याद नहीं होते हैं, है ना, लेकिन कोई भी एक इनमें से याद कर लें और उनसे मेंशन करें. बाकी जो आचार्य हैं उनके मत को या आप कंपैरेटिव चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा एम्बॉस करता है आंसर को. उसके अलावा बाकी कॉन्सेप्चुअली चीज़ें क्लियर करते चलेंगे तो ईजी हो जाते हैं ये टॉपिक. एंड यस, दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.